ये लोग एफआईआर या नहीं लेता है कोई नहीं पूछता क्यों भाई। नीतीश कुमार जी और लालू जी एक पर लालू जी बसाते थे गरीब और नीतीश कुमार जी उजार। लालू जी तो खुद खड़ा होकर के मूर्ति का स्थापना करवाए जी रैन बसेरा बनवा सब कुछ जो है मछली मार्केट बनवा सारा खुद आ करके खुद आते थे खुद बनवाते थे। लेकिन नीतीश जी में वो बात नहीं ना है उनको तो बस शेष का जो जीवन जो है वो मुख्यमंत्री रहते हुए कट जाए अच्छे से। पटना में अब नेता और जितने भी बड़े लोग हैं उनका कपड़ा नहीं धुला पाएगा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि सरकार ने पटना में पथ निर्माण विभाग के द्वारा जो सड़कों का चौड़ीकरण की योजना बनाई है इसमें कई ऐसे घाट हैं तालाबों के आसपास जो पड़ जाते हैं उसके तोड़फोड़ को लेकर उसको लेकर नोटिस जारी हुआ है। तो धोबी समाज के लोग पिछले दिन धरना प्रदर्शन कर रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ उनके जन्मदिन के अवसर पर। आज फिर से एक बार जब उन्हें तोड़ा जा रहा है तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वहां पहुंचे और वहां से पटना डीएम को फोन घुमा दिया है। देखिए किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी बातों को रखा है और कहा है कि लोगों के जीविका पर मुख्यमंत्री प्रहार कर रहे हैं। जीर्णोद्धार होने के लिए 2 करोड़ रुपया है 2 करोड़ रुपया घोटाला कर दिया है सारा एस्टिमेटेड रिपोर्ट देखिए हम धाम धामता हूँ। कई लोग हमारे घर आए थे महिलाएं आई थी और ये सारा बसाया सब लोग जानते हैं कि लालू जी का बसाया हुआ है आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के बसाए हुए लोग और ये सरकार ने ही बसाया था और कोर्ट का गाइडलाइन भी है भाई चलो ठीक है पथ बन रहा है पुल बन रहा है तो ये लोग तैयार हैं लेकिन वैकल्पिक जगह तो चाहिए ना। तो वो जगह जो है अब इन लोगों को बिना नोटिस के इन लोगों को भगाना गरीब लोग हैं। नीतीश कुमार जी और लालू जी में यही फ़र्क है ना कि लालू जी बसाते थे गरीबों को और नीतीश कुमार जी उजार रहे हैं। ये गरीबों के नेता नहीं है इनको क्या लेना देना अपना कुर्सी पे खाली चिपके रहे अपने मुख्यमंत्री रहे बाकी और सबसे क्या लेना देना। तो उनको तो और किसी से मतलब है नहीं अगर मतलब होता तो कितना दूर है मुख्यमंत्री आवास से एक बार भी थोड़ा सा। लालू जी तो खुद खड़ा होकर के मूर्ति का स्थापना करवाए रैन बसेरा बनवाए सब कुछ जो है मछली मार्केट बनवाए सारा खुद आ करके खुद आते थे खुद बनवाते थे। लेकिन नीतीश जी में वो बात नहीं ना है उनको तो बस शेष का जो जीवन जो है वो मुख्यमंत्री रहते हुए कट जाए अच्छे से बस वो वही चाहते हैं बाकी गरीब रहे या मरे उनको क्या लेना देना। तो हम लोग सब लोग के पास लोग आए थे तो बोलो ये तो भाई बड़ी संख्या है गरीबों की अच्छा आप बताओ इनसे पूछो छोटे छोटे बच्चे हैं महिलाएं हैं बुजुर्ग हैं सारे चेहरे उधर कैमरा अगर कीजिएगा तो देखिएगा ये लोग जाएंगे कहाँ। ना सरकार रोजगार देती है ना नौकरी देती है ना कोई रहने का व्यवस्था कराती है महंगाई बढ़ाई जा रही है खाएगा पिएगा कहाँ रहेगा आप बता दीजिए ये सरकार से ही ना पूछेंगे भाई सरकार का ना काम है सरकार के हेड मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री से पूछेंगे ना कि भाई या प्रशासन से हम लोग नहीं पूछेंगे कि कहाँ जाएंगे बुजुर्ग कहाँ रहेंगे 3 बजे भोर से क्या काम करेंगे खाएंगे इन पे करो सरकार का उपकार तो है नहीं नीतीश जी का ये तो अपना मेहनत का रोटी कमा रहा है जितना लोग है सब अपना मेहनत का खा रहा है कोई नीतीश जी कुछ दे रहे हैं क्या इन लोगों को। हाँ ये बात सच है कि लालू जी ने बसाया उस समय की गरीब की सरकार थी आज जो है अमीरों की सरकार है। तो हम लोग आए हैं हमने डीएम साहब से समय मांगा है हमारा डेलीगेशन जा कर के मिल कर के आएगा डेलीगेशन में से सब लोग एक एक टीम है और इस चीज़ को जो है भाई कोई बड़ा काम नहीं है चाहेगा तो खाली सेटलमेंट ही तो करना। अब आप बताइए ना बगल का जो ज़मीन हम गए वो उप मुख्यमंत्री के परिजन लोग जो है कब जा रहे हैं ये लोग FIR किया नहीं लेता है कोई नहीं पूछता क्यों भाई क्यों नहीं कार्रवाई होगी। सरकारी ज़मीन पे उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री कब्जा कर लेगा अपने परिजनों से यही है ना भाजपा का असली चेहरा। हाँ तो ये सब उजागर हो गया और सारी चीज़ें हैं ये तो भाई बड़ा गंभीर मसला है अगर उप मुख्यमंत्री के परिवार का लोग अगर कब्जा रहा है वो ज़मीन है उनको सारे गरीबों को वहाँ बसा दो
क्या दिक्कत है, क्यों नहीं बसाया जा रहा? सरकारी ज़मीन है, हम मैपिंग के हिसाब से भी कोई भी अलाइनमेंट में नहीं आता है। अभी विधानसभा चल रहा है, इस मुद्दे को उठाएंगे क्या, अगर ऐसी बात होती है तो? कुछ मालिक के साथियों ने उठाया है, आगे कल देखते हैं क्या बात होती है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।